कोरोना से परेशान इटली के लोगों के लिए सरकार का आदेश एक नई मुसीबत लेकर आया। पहले से प्रतिबंध झेल रहे इटली की जनता पर इस त्योहार के सीजन में वहां की सरकार ने और प्रतिबंध लगाने की बात कही। कभी सैलानियों से गुलजार रहने वाले इटली पर कोरोना का साया क्या पड़ा, लोगों का अपने अपने घरों से बाहर निकलना तक मुहाल हो गया। यही वजह है कि बाजार में चंद लोग तो दिख रहे हैं मगर दुकानों से खरीदार नदारद है। कोरोना से पहले ही परेशान लोगों को अब नए सरकारी आदेश का डर सता रहा है। क्रिसमस और नए साल पर सरकार ने इटली में आधी रात के बाद घूमने पर पाबंदी लगा दी है। इटली के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्रतिबंध 21 दिसंबर से 6 जनवरी तक पूरे इटली में लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान इटली के 20 इलाकों में सिर्फ काम और किसी प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों में ही लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त दी गई है। सरकार के जानकारों की माने तो क्रिसमस और नए साल पर कोरोना के मामलों में खासी बढ़ोतरी दिख सकती है और यही वजह है कि यहां सरकार ने लोगों से क्रिसमस और नए साल के त्योहारों को अपने घरों तक ही सीमित रखने को कहा है। कोरोना की तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ी इटली में हर रोज हजारों केस सामने आ रहे हैं। अब तक यहां 16,64,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं जबकि 58,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने पहले ही देश के नागरिकों को कोरोना वायरस वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त लगाने का वादा कर रखा है। सो लोगों को भी एक के बाद एक प्रतिबंधों के बावजूद सरकार के इरादों पर भरोसा है कि वो महामारी को रोकने में कामयाब होगी। आज तक ब्यूरो। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए साउथ कोरिया की सरकार ने लोगों से इस बार क्रिसमस और नए साल की पार्टीज में न जाने की अपील की है। पिछले कुछ दिन से साउथ कोरिया में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यही वजह रही कि यहां के पीएम चुंग सी क्यू ने बढ़ते मामलों को देखते हुए चल रहे प्रतिबंधों को सख्त करने पर विचार करने की बात कही है। साउथ कोरिया में कोरोना का हाल इस बात से पता चलता है कि शुक्रवार को पिछले 9 महीनों में अब तक सबसे ज्यादा 629 मामले सामने आए। अगर कुल मामलों की बात करें तो यहां 36,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए, 536 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बार फिर भयंकर आग लगी है। यहां के जंगलों में लगी आग लगातार विकराल रूप पकड़ती जा रही है। इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियों के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स भी लगाए गए। भीषण आग की तस्वीरें हैं अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत की, जहां के जंगलों में भयंकर आग लगी हुई है। तेज हवाओं की वजह से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। वहीं पूरे इलाके में धुआं भर गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग ने कितना विकराल रूप धारण कर लिया है। ऐसा लगता है कि मानो ये आग पूरे के पूरे जंगल को जलाकर खाक करने पर तुली हुई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस आगजनी में अब तक हजारों एकड़ जंगल जलकर खाक हो चुका है। साथ ही ये अब रिहायशी इलाकों की ओर तेजी से बढ़ रही है। अधिकारियों के मुताबिक ऑरेंज काउंटी के कई घर इस आग की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इस विनाशकारी आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियों के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स को भी लगाया गया है ताकि इस आग पर जल्दी से जल्दी काबू पाया जा सके। हालांकि तेज हवाओं की वजह से आग फैलती जा रही है। एहतियात के तौर पर जंगलों के आसपास मौजूद बस्तियों को खाली करवा लिया गया है। साथ ही हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। आज तक ब्यूरो। पूरी दुनिया के समुद्र में बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्री जीवों की कई प्रजातियां मुसीबत का सामना कर रही हैं। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ के विशेषज्ञों ने वहां की सरकार से अनुरोध किया है कि सरकार समुद्री जीवों को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री चट्टानों में से एक कहे जाने वाले ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ में हाल के दिनों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है, जिससे समुद्री जीवों की कई प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट आ गया। हालात ये हैं कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल तटों में पिछले 3 दशकों में कोरल और दूसरे जीवों की संख्या आधी हो गई है। क्रिसमस का महीना आ चुका है। महामारी के कहर के बीच त्यौहार का माहौल बनाने और लोगों का मूड मौज मस्ती वाला करने के लिए पूरी दुनिया में जगह जगह सेंटा क्लॉज भी दिखने लगे हैं। लेकिन जापान की राजधानी टोक्यो में सांता एक ऐसे रूप में दिखे जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। इसे सांता का मत्स्य अवतार कहें तो गलत नहीं होगा। गहरे पानी में तमाम मछलियों के बीच भला सांता क्लॉज क्यों और कैसे पहुंच गए? दरअसल ये जगह है जापान की राजधानी टोक्यो का मशहूर सनशाइन एक्वेरियम।
और बच्चों को गिफ्ट बांटने वाले सेंटा क्लॉज इस बार मछलियों को चारा खिलाने एक्वेरियम में उतरे हैं। इस दौरान दर्शकों के मनोरंजन के लिए वो पानी में गोता भी लगा रहे हैं और हाथों में फूलों के साथ साथ हैप्पी क्रिसमस लिखा बोर्ड भी पकड़े हैं। दरअसल सेंटा क्लॉज के गेटअप में ये इस एक्वेरियम के ट्रेंड गोताखोर हैं और क्रिसमस के महीने में हर साल ये शो इस एक्वेरियम का एक खास आकर्षण है। करीब 20 सालों से सनशाइन एक्वेरियम के गोताखोर सेंटा क्लॉज बनकर एक्वेरियम में करतब दिखाते हैं और दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। एक्वेरियम में सेंटा क्लॉज का ये शो क्रिसमस तक चलता है और इसे देखने हर साल भारी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की पाबंदियों की वजह से दर्शकों की संख्या सीमित की गई है और सावधानी भी बरती जा रही है, लेकिन जितने भी दर्शक पहुंच रहे हैं इस शो का जमकर मजा ले रहे हैं। आज तक ब्यूरो, दुनिया आज तक में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।